हे एवरीवन, तो आज के एक और नए वीडियो लेकर गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप चारकोल और ग्रेफाइट को इजीली मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास जो चारकोल पेंसिल्स है वो है कैमलिन की और जो ग्रेफाइट पेंसिल्स है वो है आर्टलाइन की। सबसे पहली बात, अगर आप एक आर्टिस्ट हो या बिगनर आर्टिस्ट हो तो आपको पता होगा कि ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल नहीं चल पाता है, और अगर आप चलाने का ट्राई भी करो तो सबसे पहली बात तो पेपर फटने का डर रहता है और बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट नहीं आता। पहली बात तो चलते ही नहीं ढंग से कि आप, अगर आप समझ लो जैसे आपने ग्रेफाइट से एक शेड लगा लिया, जैसे कोई सी पेंसिल से 4B 6B 8B जैसे किसी से भी आपने शेड लगा लिया, फिर अगर हम उस पर अगर चारकोल पेंसिल चलाने का ट्राई करें तो वो नहीं हो पाता, काफी मतलब फिसलती है पेंसिल और बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट नहीं देती है, कभी कभी तो पेपर भी फट जाता है। तो गाइस इस वीडियो में मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप बहुत ही इजीली ग्रेफाइट पेंसिल्स के ऊपर चारकोल को ऑप्ट कर सकते हो, और जो कि आपको आपकी ड्राइंग्स में भी काफी हेल्प करेगा, आपकी ड्राइंग्स को इम्प्रूवमेंट करने में काफी हेल्प करेगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करें मैं सबसे पहले आपको ट्रिक दिखाता हूँ। तो गाइस चलो, गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ हमारी टेबल पर, और चारकोल पेंसिल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है कैमलिन की, और जो ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रहा हूँ वो है आर्टलाइन की, जो कि बिगनर के लिए काफी सही रहती है। मैं भी पहले इसी को यूज करता था। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक 6B ग्रेड की पेंसिल जो कि थोड़ी डार्क होती है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं करके आ रहा हूँ। गाइस यहाँ पर मैंने 2-3 लेयर लगा दी है आर्टलाइन की 6B पेंसिल की, ताकि आपको अच्छे से दिखे और समझ में आए। अगर सेम मैं यूज कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल भी, इसकी भी 2-3 लेयर लगा लेंगे। अब 2-3 लेयर लगाने का मतलब ये कि गाइस आपको अच्छे से दिखे और आपको अच्छे से समझ में आए बस। और अब मैं नॉर्मल तरीके से मिक्स करने का ट्राई करता हूँ, जैसे कि आप में से बहुत से बिगनर आर्टिस्ट यूज करते हैं, कि सबसे पहले हम करते हैं ग्रेफाइट से शेडिंग और फिर उसके ऊपर ट्राई करते हैं चारकोल को चलाने का। तो गाइस अब मैं वही कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ। मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे बिगनर आर्टिस्ट यही पेंसिल सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ना कि मीडियम और हार्ड ज्यादा यूज करते हैं। गाइस देखो, जैसे ही मैं पेपर के नीचे पेंसिल चलाता हूँ कितने अच्छे से चल रहे, और जैसे ही ग्रेफाइट के ऊपर आता हूँ ये पेंसिल चलना बंद हो जाती है, क्योंकि गाइस पिसल रही है, अच्छे से यूज नहीं हो पा रही और काफी सारे स्पॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बार मैं मेकअप ब्रश से ब्लेंड करने का ट्राई कर लेता हूँ। गाइस देखो, ब्रश से ब्लेंड करने के बाद भी अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा, और आराम से हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि ऊपर ग्रेफाइट चलाया हुआ है, नीचे चारकोल पेंसिल चलाई हुई है। तो गाइस यहीं पर हमारी वो ट्रिक काम आती है जिसमें हम ग्रेफाइट और चारकोल काफी इजीली और काफी इफेक्टिव तरीके से मिक्स करेंगे और काफी सॉफ्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं यहाँ पर आर्टलाइन की 6B पेंसिल से शेड लगा रहा हूँ, और इस बार हमको चारकोल पेंसिल इसके ऊपर से ही नहीं चलानी, जब बल्कि हमको सबसे पहले ब्लेंड कर लेना है इस पेंसिल को। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्लेंड कर लिया और ये पेंसिल अब काफी स्मूथ हो चुकी है। अब हमको चारकोल पेंसिल लेके हमको लेना एक सैंड पेपर और इसके ऊपर चला के इसका थोड़ा पाउडर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस पेंसिल में से। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पाउडर इसका निकाल लिया है, जरा सा निकाले क्योंकि गाइस मेरे को आपको सिर्फ समझाने के लिए करना है। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ब्रश, और इस ब्रश को मैं यहाँ पर चारकोल पाउडर लेकर और इस ग्रेफाइट के ऊपर चला रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से चल पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं पिसल रहा है गाइस, एकदम आप अच्छे से इसको इजीली ऑफ कर सकते हो ग्रेफाइट पे और काफी सॉफ्ट रिजल्ट आप इससे ले सकते हो। तो गाइस देखो, मैं कैसे कर रहा हूँ वैसा ही आपको करना, और आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको काफी सही लगेगी ये ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस अब आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, एक है नॉर्मल और एक है हमारी ट्रिक जो कि काफी सही लग रही है। ऊपर वाली और नीचे वाली में देखोगे रात दिन का फर्क है, ये वाली ट्रिक जो है बिल्कुल सही है और ये वाली ट्रिक गलत है, क्योंकि काफी बिगनर आर्टिस्ट करते हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद है, तो लाइक करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
गाइस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।